एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को ऑस्कर 2023 में भारत की तरफ से तगड़ा दावेदार माना जा रहा था। इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि आरआरआर को इस बार देश की तरफ से ऑस्कर में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब छेलो शो को देश की तरफ से ऑस्कर 2023 में भेजा जाएगा। इसे ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। आरआरआर को ऑस्कर में न भेजे जाने से न सिर्फ फैंस निराश हो गए हैं, बल्कि फिल्म की टीम भी दुखी है। आरआरआर की टीम ने अब एकेडमी से अपील की है कि फिल्म को ऑल कैटेगरी में शामिल करने पर विचार करें। यही नहीं, फिल्म की टीम ने अब आरआरआर के लिए ऑस्कर कैंपेन की शुरुआत की है, यानी अभी भी मौका है कि आरआरआर ऑस्कर में जा सकती है। आरआरआर के डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक वेरियस फिल्म्स के प्रेजिडेंट डैनियल मर्चिटी ने वैरायटी से बातचीत की मैं कहा कि पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर में दुनिया भर के दर्शकों के लिए कितनी खुशी लेकर आई। हमने देखा कि कैसे इस फिल्म ने दुनिया भर में $140 मिलियन की कमाई की। यह नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर ट्रेंड करने वाली इतिहास की पहली फिल्म बनी, ग्लोबली ट्रेंड करने वाली फिल्म बन गई थी। अमेरिका में आरआरआर के लिए ऑस्कर कैंपेन चल रहे हैं। डैनियल ने आगे कहा, हमने दुनिया भर में फैन से सुना है कि ये साल की सबसे बेस्ट फिल्म है। हम भी इस बात से सहमत हैं और हम एकेडमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आरआरआर को ऑल कैटेगरी में देखें। ये फिल्म बेस्ट पिक्चर्स कैटेगरी में स्पॉट कर पाने के लिए लड़ेगी। आरआरआर के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी के अलावा डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और एडिटिंग समेत कई और कैटेगरी में शामिल किए जाने का मौका मिल सकता है। डैनियल के मुताबिक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अलावा दर्जन भर से भी ज़्यादा कैटेगरी हैं जिनमें आरआरआर को शामिल किया जा सकता है। इस फिल्म में जूनियर, एनटीआर और रामचरण लीड रोल में थे। वेरियंस फिल्म्स में अब फैसला किया है कि पूरे जोर शोर के साथ आरआरआर के लिए कैंपेनिंग करेंगे। डैनियल ने कहा, आरआरआर इस साल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेस्ट फिल्म है। हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि एकेडमी के सदस्य इस फिल्म को सिर्फ एकेडमी स्क्रीनिंग पोर्टल पर ही नहीं बल्कि थिएटर्स में भी देखें। आपकी हमारा ध्यान फिल्म देखने के लिए वोटर्स जुटाने पर है, क्योंकि राजामौली ने इसे बड़े पर्दे के हिसाब से बनाया था। मुझे लगता है कि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स और वाइब्स से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ये अच्छा है फिर चाहे आप इसे कहीं भी देखें। बता दें कि छेलो शो की ऑस्कर में एंट्री में सभी लोग शौक हैं। ऑस्कर की रेस से दूर दूर तक इस गुजराती फिल्म का नाम नहीं था। लंबे समय से इसी बात की चर्चा हो रही थी कि ऑस्कर में या तो आरआरआर जाएगी या फिर द कश्मीर फाइल्स, लेकिन 20 सितंबर को फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से छेलो शो को भेजे जाने की घोषणा की। इस फिल्म को पान नलिन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी गाँव के एक बच्चे और सिनेमा के लिए उसके प्यार पर बुनी गई है।